मुरली मनोहर साहब। मुरली मनोहर साहब आप कहाँ से हो? उड़ीसा। उड़ीसा कितनी एज है? 27। क्या तकलीफ थी? किस तरफ? कितना चल पा रहे थे? और कितने टाइम से था? 8 साल से। ओके सर जी डन। बेहोश तो नहीं थे? ओके कैसा फील कर रहे हो? अभी ठीक सर। हाउ इट इज? मिस्टर मुरली इज 27 और उड़ीसा से हैं। कमर में दर्द करीब पिछले 3 या 4 साल से और लेफ्ट लेग में पेन चल नहीं पा रहे थे 300 से 600 मीटर से ज्यादा नहीं। MRI L4-L5 वेरी बिग दिस प्रोलैप्स। कैन सी दिस अ बिग फ्रैगमेंट L4-L5 दिस प्रोलैप्स इज हियर एंड यू कैन सी हियर दिस इज अ फ्रैगमेंट। So, L4-L5 हमने PELT इंडोस्कोपिक सर्जरी आउटसाइड इन टेक्निक से किया अंदर लोकल एनेस्थीसिया। पेन अब लेफ्ट लेग में नहीं है। वॉक इज बेटर। मुरली आप बताओ कैसा फील करते हो? मी फीलिंग फॉर बहुत अच्छा। पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। चलना कैसा है? और रेगुलर पहले जैसे चल रहा था सब लोग बिग पेन से पहले हम ऐसे फील हो रहा है। ओके दैट्स गुड। आपका नाम? मेरा नाम मुरली मनोहर साहू। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से हैं? यस सर। ओके आप? मैं इसका बड़ा भाई हूँ अनिल कुमार साहू। ओके हम उड़ीसा। क्या काम करते हो? मैं एक फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके क्या तकलीफ थी आपको? पूरा L4-L5 डिस्क खोला था तो उसके कारण क्या तकलीफ हो रही थी? चलने में दिक्कत। अच्छा कमर में दर्द था? हाँ कमर में दर्द। और पैर में भी? पैर में। किस पैर में ज्यादा था? लेफ्ट साइड। तो कितना चल पा रहे थे? 300-500 मीटर। फिर क्या फील होता था? इसके बाद नर्व सेंसेशन चलने में बहुत दिक्कत होती। पेन के साथ नंबनेस? नंबनेस तो फिर बैठना पड़ता हो? हाँ बैठ। फिर ठीक हो जाते हो? तो कितने दिन से तकलीफ थी? लगभग 7 साल। 7 साल तो लोकल डॉक्टर्स को तो दिखाया होगा तो ऑपरेशन भी बोला होगा। हाँ। तो फिर क्यों नहीं कराया? सर्जरी क्यों नहीं कराया? सर्जरी करने के लिए पिताजी हमारा मना कर रहे थे। वो डर गए थे कि ब्रेन न्यूरो का सर्जरी है हमारा जो स्पाइन का होने से पैरालिसिस हो सकता। अच्छा तो पैरालिसिस के डर से सर्जरी नहीं कराया? सर्जरी नहीं। या ओपन सर्जरी से डर लग रहा था? ओपन सर्जरी से डर था और इसका भी। ओके सर्जरी हो गई बिना बेहोश हो गई इंडोस्कोप से हो गई। अब चल के दिखाओ कैसा लग रहा है। चलो इस साइड आपको पेन था? इस साइड पहले चल पा रहे थे ऐसे? पहले नहीं चल। ओके चल घूम घूम। L4-5 है ना? अब पहले से कैसा लग रहा है? अभी नॉर्मल जैसा। बिल्कुल नॉर्मल है कोई पेन नहीं आराम से वॉक कर रहे हो? यस सर। ओके बैठो। तो आप वापस अब उड़ीसा जाओगे? यस सर। तो एक आपका अपना एक्सपीरियंस है जो आपको सर्जरी से पहले पेन के कारण रहा फिर सर्जरी हो गई और अब यू आर बैक टू नॉर्मल। तो क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या मैसेज देना चाहोगे सर्जरी जिसे लोग करते हैं? सर ये तो एंडोस्कोपी सर्जरी में नेट से सर्च किया। अच्छा नेट से सर्च किया तो आपका पहला वाला वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा। पहले से सोच रहे थे कि उसका बजट ज्यादा होगा फिर हमने नंबर निकाला फोन किया तो उसका बजट मिनिमम है और हम तो बिलोंग टू मिडिल स्टेज फैमिली तो इतने बजट में इतना अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है। इट इज 1/3
as compared to the other side. Yes. So, दूसरा ये है कि आपको बेल की जरूरत नहीं है, आपको एक वेंडर लगा हुआ है, आप यू कैन टेक बाथ, अगर वेट हो जाए जस्ट चेंज द वेंडर और यू कैन कंटिन्यू योर ऑल ड्यूटीज मे बी विद इन नेक्स्ट 10 डेज टाइम. बहुत भारी वजन नहीं उठाना है, जिमिंग नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है, ट्विस्टिंग नहीं करनी है, बट रेस्ट ऑफ द वर्क यू आर नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वॉक जितना चाहो कर सकते हो. और ये थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, बेसिक प्रिकॉशंस हैं, इनको 3 महीने के लिए हमने मानना है और बैक टू लाइफ है बाबू. सो जस्ट 2 लाइंस टू ऑल पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग, यू आर जस्ट 28, 28 में यू वेंट फॉर इंडोस्कोपिक सर्जरी आपकी हो गई और पता नहीं लग रहा कैसे होगी एंड यू आर बैक टू नॉर्मल. तो आप आम जो यूथ है उसको थोड़ा सा एक मैसेज दो, जो आप डरने के कारण 7 साल से ये आपको तकलीफ थी, आपने 7 साल तक उस पेन को सहा, बर्दाश्त किया कि डर था कहीं ऐसा ना मेरे को पैरालाइज हो जाए, तो अब आप बिल्कुल ठीक हो. तो लोगों को बताइए क्या मैसेज देना चाहोगे, सुनना चाहेंगे लोग आपको. इसके लिए कुछ रिकर्सल की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल 10 डेज के अंदर आदमी आ सकता है बैक टू लाइफ. सो यू आर हैप्पी? हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.